रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने आज नेता विपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की और उनसे मुलाकात के बाद कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी दोनों ही रेसलर्स मिलने पहुंचे। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव जो हरियाणा के अंदर, उसमें दोनों जो रेसलर्स हैं वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विनेश फोगाट चरखी दादरी जो कि सोनीपत के अंदर आता है, तो वहीं बजरंग पुनिया बाड़ला से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। पिछले हफ्ते भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से दोनों नेताओं ने मुलाकात की थी और उसके बाद अब राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की है। दरअसल जो खबरों का बाजार है वो इसलिए गर्म है क्योंकि लगातार जो बैठकों का दौर है और लगातार जो बीजेपी के खिलाफ दोनों नेताओं के बयानबाजी रही है, उससे काफी हद तक लग रहा है कि दोनों ही जो रेसलर्स हैं वो कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि 66 नामों का जो एक सूची है वो कांग्रेस की तरफ से तैयार कर ली गई है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो सूची आएगी क्या उसमें बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट का नाम होता है या नहीं। कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने अपना प्रचार शुरू कर दिया है और आज कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में दो रैलियां संबोधित करी। पहली रैली बनिहाल के संगलदान में और दूसरी कश्मीर के डुरू में। ये वो दो जगह है जहां पर कांग्रेस को लगता है कि वो जीत की प्रबल दावेदार है। हालांकि पिछले इलेक्शन की बात करें 2014 में तो बनिहाल की सीट पर कांग्रेस के ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वकार रसूल वानी ने जीत हासिल की थी, जबकि डुरू की सीट पर जी ए मीर को पीडीपी के उम्मीदवार द्वारा शिकस्त मिली थी। लेकिन इस बार कांग्रेस को लगता है कि ये दोनों सीट उनके पाले में जाएगी। इसी के चलते इस बार की जो शुरुआत है कांग्रेस ने इन्हीं दो जगह से की है। इन बातों में जो सबसे खास बात वो थी कि इस बार इनके पास जो मुद्दा था वो सिर्फ एक ही था, स्टेटहुड, क्योंकि उसके अलावा जितने स्थानीय मुद्दे थे उनको नहीं छेड़ा गया। पहली बार हिंदुस्तान के किसी स्टेट को रद्द करके लोगों का जो हक है वो छीना गया, पहली बार हुआ है। ऐसे हिंदुस्तान के इतिहास में, मॉडर्न इंडिया में, ये काम पहले कभी नहीं किया गया। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है वो वापस देना है। तो लग रहा है इस बार केंद्र को अगर सामने विपक्ष ने रखना है तो उनके पास स्टेटहुड ही है, जिसपे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक साथ आ रही हैं और इसी को लेकर वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 370 और 35 पर जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी पिक्चर क्लियर की है, वहीं पर कांग्रेस ने अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा। विकास अब्रोल, भारत एक्सप्रेस के लिए जम्मू से। आरजेडी विधायक दल की बैठक में आरजेडी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इस बैठक में तमाम विधायकों, विधान पार्षदों और सांसदों के साथ साथ वैसे नेताओं ने हिस्सा लिया जो इस बार एमपी के चुनाव हार चुके हैं। तेजस्वी यादव ने अपने संदेश में साफ साफ कहा कि एक तरफ एनडीए यानी बीजेपी और जेडीयू से मुकाबला करना है, यानी तेजस्वी यादव की चिंता दो बात को लेकर थी, एक तरफ एनडीए से सीधी लड़ाई है, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी उनके वोट बैंक में सेंधमारी करने को तैयार है। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव अपने आभार यात्रा के साथ साथ अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों का हवाला देते हुए साफ तौर पे कहा कि इस बात को जनता तक पहुंचाने की जरूरत है ताकि एक तीसरा फ्रंट जो आरजेडी वोट बैंक में सेधमारी करने पर आतुर है उसे रोकना है, और ऐसी स्थिति में अगर गरीबों का कोई हितैषी है तो आरजेडी है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 2025 में सरकार बनेगी, ये जनता को बताने की जरूरत है ताकि जनता गोलबंद होकर आरजेडी के साथ रह सके। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। वाराणसी में दिनों दिन जटिल होती जा रही यातायात जाम की समस्या को लेकर शासन की नाराजगी के बाद वाराणसी जिला प्रशासन ने एक संयुक्त अभियान चलाया है जिसमें ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए सड़क पर अधिकारी खुद उतरे। उन्होंने अतिक्रमण हटाने के लिए एक मुहिम चलाई। पूरे जनपद में अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस, नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने अभियान चलाया जिसमें पटरी पर लगने वाले ठेले या अस्थायी निर्माण को हटवाया गया। वहां पर एक कार्रवाई की गई जिसमें सभी को ये भी हिदायत दी गई कि एक बार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद अगर दोबारा अतिक्रमण लगाया गया तो ऐसे में ना सिर्फ अतिक्रमण लगाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी बल्कि उस क्षेत्र के थानेदार के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल समेत पूरा पुलिस महकमा सड़कों पर दिखाई दिया। इसके साथ ही प्रशासन ने कुछ ऐसे भी पॉइंट चिन्हित किए
जहां बॉटल नेक था और उसकी वजह से प्रतिदिन जाम की समस्या होती है। ऐसे में अब उन बॉटल नेक्स को क्लियर करने के लिए एक प्लान बनाया गया है, जिसके तहत बॉटल नेक्स को चौड़ा किया जाएगा, साथ ही वहां जो अतिक्रमण है उसको स्थायी तौर पर हटाया जाएगा। इसके लिए कह सकते हैं कि वाराणसी में ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर कई बिंदुओं पर काम शुरू कर दिया गया है। वाराणसी के जिला अधिकारी और पुलिस कमिश्नर ने इसके लिए एक संयुक्त मीटिंग की और सभी विभागीय अधिकारियों को समन्वय बनाकर ट्रैफिक जाम की समस्या से निदान पाने का रास्ता ढूंढने का निर्देश दिया। इसके साथ ही वाराणसी के तमाम अस्थायी और ठेला पटरी वालों को हिदायत भी दी गई है कि एक बार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाने के बाद अगर दोबारा अतिक्रमण किया गया तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी से सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस। गुजरात में आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया के प्रमोशन पर राजनीति गर्मा गई है। दरअसल गुजरात पुलिस के कांस्टेबलों को हेड कांस्टेबलों के रूप में प्रमोट करते हुए एक लिस्ट जारी की गई थी जिसमें गोपाल इटालिया का नाम शामिल था और यह लिस्ट गोपाल इटालिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की और गुजरात पुलिस पर कई सवाल खड़े किए क्योंकि गोपाल इटालिया ने 9 साल पहले पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी और अब जब पुलिस की प्रमोशन की लिस्ट आई तो उस लिस्ट में गोपाल इटालिया का नाम शामिल था और इसके बाद गोपाल इटालिया ने पुलिस विभाग पर कई सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद अहमदाबाद पुलिस की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी कर यह सफाई दी गई कि गोपाल इटालिया को लेकर मीडिया में जो कुछ भी समाचार चल रहे हैं वह गलत हैं। वह उन्हें किसी भी तरह से कोई पदोन्नति नहीं दी गई है बल्कि यह सीनियरिटी के आधार पर बनाई गई एक लिस्ट है। लेकिन इस पर भी गोपाल इटालिया ने सवाल उठाते हुए कहा कि पहले तो वह फिक्स वेतन के तहत कांस्टेबल थे, परमानेंट नहीं थे। दूसरी बात कि उन्होंने फिक्स वेतन वाले कांस्टेबल के तौर पर परमानेंट होने से पहले इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में उनकी सीनियरिटी का सवाल ही नहीं उठता। यह पुलिस महकमे की एक गंभीर भूल है। गोपाल इटालिया ने यह भी बताया कि सिर्फ उनका ही नहीं उनके ऐसे कई साथियों का प्रमोशन लिस्ट में नाम आया है जिन्होंने या तो नौकरी छोड़ दी है या खुद वो पुलिस इंस्पेक्टर बन गए हैं। ऐसे में इस मामले में अब राजनीति गर्मा रही है। गृह मंत्री को लेकर गोपाल इटालिया लगातार ट्वीट कर रहे हैं। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। इजराइल को भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे गोला बारूद और हथियारों की सप्लाई को तुरंत रोकने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। यह याचिका नोएडा के रहने वाले अशोक कुमार सिंह सहित 11 लोगों ने प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर की है। याचिका में कहा है कि भारत सरकार को यह अधिकार नहीं है कि जो अपराधी देश हैं उन्हें गोला बारूद और हथियार सप्लाई करे। आपको बता दें कि इजराइल और फलस्तीनी के बीच में जंग चल रहा है जिसमें अभी तक हजारों लोग मारे गए हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ गोपाल कृष्ण। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने दो बड़े फैसले लिए हैं। इस फैसले के तहत अब गांव को वृंदावन गांव की तर्ज पर विकसित किया जाएगा और इसके लिए सबसे पहले हर विकास खंड में एक गांव चयनित किया जाएगा जिसको कि वृंदावन गांव बनाया जाएगा और जिसमें गौ पालन से लेकर दुग्ध उत्पादन बढ़ाने से लेकर तमाम सारी सरकारी योजनाएँ उस गाँव में होंगी, यानी कि एक आदर्श ग्राम के रूप में स्थापित किया जाएगा। इस गांव में सोलर एनर्जी से लाइट की व्यवस्था की जाएगी, पूरी तरह ये सौर ऊर्जा पर आधारित गांव होगा। इसमें श्री अन्न के लिए खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, यानी कि जो भारतीय परंपरा है उसको पुनर्जीवित करने के लिए इस गांव की अवधारणा बनी है। इसके साथ साथ मोहन यादव सरकार का दूसरा फैसला है जो नगरीय निकाय हैं उनमें हर नगरीय निकाय में एक गीता भवन बनेगा जो भारतीय संस्कृति की पठन पाठन के लिए पुस्तकें रखेगा। एक वहाँ पर लाइब्रेरी डेवलप की जाएगी। इसके साथ साथ धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन जो होते हैं वो उस गीता भवन में हो सकेंगे, यानी कि जो भारतीय संस्कृति है उसको पुनर्जीवित करने के लिए मोहन यादव सरकार तमाम सारे प्रयास कर रही है और इन्हीं प्रयास की कड़ी में ये गीता भवन जो नगरीय निकाय में बनेंगे और वृंदावन गांव ग्रामीण क्षेत्र में बनाए जाएंगे। ये एक बड़ी पहल की जा सकती है। मध्य प्रदेश के विकास के आईने में इन दो चीज़ों का काफ़ी महत्व रहेगा। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर।
झारखंड सरकार ने जिस राजनीतिक सोच के तहत मुख्यमंत्री मैया सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी, बुधवार को रांची में उस सोच का असर साफ तौर पर दिखाई दिया। जैसा कि साफ तौर पर देख सकते हैं, आज रांची में ये खोजा टोली जगह है जो कि शहर से बाहर का इलाका है। यहाँ पर मुख्यमंत्री सम्मान योजना के तहत दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के कुल 5 जिलों की महिलाओं को बुलाया गया और उनके खातों में सीधे पैसा 1,000 रुपये ट्रांसफर किया गया। कुल 48 लाख के लगभग महिलाओं का निबंधन किया गया था, जिसमें से 45 लाख महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री ने सीधे DBT के माध्यम से पैसा डाला। और जो साफ तौर पर जैसा देख सकते हैं, पूरे राजधानी में प्रशासन ने पूरी तैयारी की थी कि शहर पर भीड़ का बोझ न पड़े, लेकिन रांची का चारों तरफ का इलाका जाम से तबाह है। और साफ तौर पर देख रहे हैं, अभी तक महिलाओं के जाने का सिलसिला भी जारी है। साफ तौर पर देख सकते हैं, लोगों के अंदर खुशी है, लोगों को 1,000 रुपये महीने, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें सभी वर्ग की महिलाओं को शामिल किया गया है। तो रांची में आयोजित ये कार्यक्रम जो है वो मुख्यमंत्री के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम था। और जिस तरह से लगातार कार्यक्रम स्थल से 8-8 किलोमीटर की दूरी तक महिलाओं की तादाद है, महिलाओं का हुजूम उमड़ पड़ा है, ये बताता है कि झारखंड सरकार ने या झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस सोच के तहत इस योजना की शुरुआत की थी, ठीक चुनाव से पहले इस योजना की शुरुआत की थी, उस सोच में कहीं ना कहीं वो सफल रही है। अब इसे लेकर विपक्ष भी खासा परेशान रहेगा और जल्द से जल्द इसका कोई काट जरूर ढूंढेगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। बिहार में लालू प्रसाद का जंगल राज कहा जाता था। NDA के तरफ से लगातार चुनाव के दौरान आरोप लगाया जा रहा था, कहा जा रहा था उसके, और इसके जवाब में तेजस्वी यादव आपराधिक घटनाओं का लिस्ट भी जारी कर रहे थे। लेकिन आज बड़ा आरोप नीतीश कुमार के ऊपर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के द्वारा लगाया गया। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में जो है अफसरशाही का जंगल राज हो गया है। लालू प्रसाद का जंगल राज तो हम लोग सुन रहे थे, लेकिन अफसरशाही का जंगल राज प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि 4 लोग मिलकर के बिहार को चला रहे हैं, सरकार को चला रहे हैं। एक तो नीतीश कुमार और बाकी उनके 3 जो हैं अधिकारी हैं वो चला रहे हैं। बिहार में लालू जी के राज में जंगल राज देखा है, अपराधियों का जंगल राज देखा है, जहां अपराधी लोगों को लूटते थे, डरते नहीं थे, उनको किसी का उन पर कंट्रोल नहीं था। ये आज का जो दौर है इसको लोग सही बता रहे हैं कि ये नीतीश का राज जो है ये अधिकारियों का जंगल राज है। जैसे लालू जी के राज में अपराधी गम लगाकर लूटता था, नीतीश के राज में अधिकारी जो है वो कलम लगाकर लूट रहा है। लालू जी के राज में जो अपराध होता था, लूटपाट होती थी, वो रात में होता था। ये नीतीश के राज में अधिकारी दिन में ही भरे दोपहरी में लोगों को लूट रहे हैं। प्रशांत किशोर जो है नीतीश कुमार के साथ भी काम कर चुके हैं, तमाम जो बहुत सारी पार्टियां उनके साथ काम कर चुके हैं, लेकिन अब वो बिहार की राजनीति में जिस तरह से जिस मनसे के साथ आए हैं, क्या उनका ये मनसा पूरा होता है? और उनका जो विचार है, जो अपनी बातें रखते हैं, क्या बिहार की जनता जो जातीय राजनीति पे आधारित है उनको एक्सेप्ट करती है? पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट की राज्यव्यापी हड़ताल का असर लगातार दूसरे दिन भी दिखा। करीब 500 से ज़्यादा बड़े डिपो महाराष्ट्र भर में बंद दिखे। आंशिक तौर पर बसें जरूर चली, लेकिन ये समय गणपति उत्सव का है, ऐसे में लोग अपने घरों की तरफ ST गाड़ियों से ही जाते हैं। इसलिए सरकार की चिंता बढ़ गई है कि अगर इस तरीके की हड़ताल शुरू रही तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में सरकार की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। यही वर्ष है जब महाराष्ट्र के भीतर विधानसभा का चुनाव है। सरकार लाडली बहना के जरिए कोशिश कर रही है कि महाराष्ट्र की महिलाओं को अपनी तरफ लाया जाए, लेकिन स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों के जो कर्मचारी हैं उन्होंने स्ट्राइक करके सरकार की मुसीबत खड़ी कर दी है। इसलिए सरकार ने आनन फानन में एक मुख्यमंत्री के साथ सभी ST कर्मचारियों के प्रमुख व्यक्तियों की मीटिंग की है और इसका परिणाम जल्द ही सकारात्मक रहा तो निश्चित तौर पर ST का जो स्ट्राइक है वो ख़त्म होगा। लेकिन अगर सकारात्मक परिणाम नहीं निकला
तो सरकार के लिए परेशानी बढ़ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट बालकिस के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जब से पुलिस की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, तब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दो दिन पहले सचिवालय में पुलिस अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक के बाद आज दोपहर करीब 1 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस मुख्यालय का औचक निरीक्षण करते हुए अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। 1.5 घंटे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस अधिकारियों से हाल ही में उत्तराखंड में हुई घटनाओं पर फीडबैक भी लिया और साथ ही पुलिस अधिकारियों से सुझाव भी मांगे। दरअसल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पिछले 1.5 हफ्ते के दौरान उत्तराखंड पुलिस पर 2 बार सवाल उठाए हैं और अपने ही सांसद द्वारा पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठता देख मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में नजर आए। पहले सचिवालय में पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और आज पुलिस मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया। जाहिर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सांसद द्वारा लगे आरोपों का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए और साथ ही लव जिहाद जैसे मामलों पर सख्ती से निपटने के निर्देश भी दिए। अभिषेक कुमार, देहरादून, भारत एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज के फूलपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा और कहा कि टीपू एक बार फिर से सुल्तान बनने की फिराक में है। योगी ने 634 करोड़ की 171 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फूलपुर में रोजगार मेले में शिरकत करने पहुंचे थे। युवाओं को नियुक्ति पत्र, स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, एक ज़माने में उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ करते थे, साथ ही माफियाओं का राज हुआ करता था, लेकिन डबल इंजन सरकार ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार मिश्रा के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। निलंबित ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस ने अपना जवाब दिल्ली हाईकोर्ट को सौंप दिया है। दिल्ली पुलिस ने अपने जवाब में कहा है कि पूजा खेड़कर ने यूपीएससी में जो विकलांगता सर्टिफिकेट 2022 और 2023 में दिया था वह फर्जी है, वह महाराष्ट्र से बनाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इनके ऊपर लगे आरोप काफी संगीन है, इसलिए इन्हें अग्रिम जमानत नहीं मिलनी चाहिए। वहीं कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान जांच के आदेश दिए थे और कहा था कि अगर यूपीएससी के कोई कर्मचारी अन्य शामिल हैं तो उसकी भी भूमिका की जांच होनी चाहिए। जबकि पूजा खेड़कर ने कहा है कि उनके ऊपर लगे आरोप सही नहीं हैं, क्योंकि यूपीएससी के नियम के तहत 40% विकलांगता होनी चाहिए, जबकि उनकी विकलांगता 47% है और इससे संबंधित मेडिकल सर्टिफिकेट भी उनके पास मौजूद है, इसलिए यूपीएससी के पास उनके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। अब देखना होगा, जब दिल्ली हाईकोर्ट पूजा खेड़कर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करेगा तो उसके बाद क्या कुछ आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ गोपाल कृष्ण।